नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। क्या कुछ हलचल है, क्या गतिविधि है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि डियर आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 6,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। ये विज्ञापन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले का था, तब बीएड भी पूरी तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र था। लेकिन उसके बाद 11 अगस्त 2023 को जैसे ही जजमेंट आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का और एनसीटी का बनाया गया गजट रद्द कर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बाद जो छत्तीसगढ़ के डीएलएड के स्टूडेंट थे वो माननीय हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं और कहीं ना कहीं बीएड के अगेंस्ट रिट लगा देते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको बाहर कर दिया गया है। तो आप भी छत्तीसगढ़ की इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को इनवैलिड कर दीजिए। और उसी के क्रम में जो छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट है उसने एक्शन में आई और बीएड के अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से काउंसलिंग चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया था और सिर्फ डीएलएड के स्टूडेंट का जो कहीं ना कहीं प्रोसेस था उसको रन में करने का आदेश दिया था। लेकिन उसके बाद जो बीएड के स्टूडेंट है उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे और अपनी बात रखी कि हमारा नोटिफिकेशन दरअसल पहले का है महोदय, हमको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करवाने का जो आदेश है वो आप रिलीज कीजिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो बिहार की सरकार है उसको, कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की सरकार है डियर, उसको आदेशित किया कि आप इनकी काउंसलिंग में इनको पार्टिसिपेट करवाइए। लेकिन जो भी जजमेंट आएगा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का अंतिम, उसी के हिसाब से पूरी भर्ती प्रक्रिया को ट्रेंड किया जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं अब क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में अब शिक्षा विभाग के हेडक्वार्टर के सामने जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं वो लगातार पिछले 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार से केवल एक अपील कर रहे हैं कि जो आपने बीएड की काउंसलिंग इत्यादि करवाई है, बीएड को आपने जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करवाया है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना है, ये सरासर गलत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फिलहाल वहां की राज्य सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है, एनसीटी को भी 4 सप्ताह का समय दिया है। 4 सप्ताह के बाद वहां की हाई कोर्ट पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी और तभी स्थिति यह स्पष्ट हो पाएगी कि बीएड का भविष्य आखिरकार छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ राज्य की जो राज्य सरकार है उसका स्टैंड साफ है, जिस तरीके से कोर्ट उसको निर्देश देती है उसी के अकॉर्डिंग वहां की राज्य सरकार काम करना शुरू कर देती है। पहले छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट ने बीएड को हटा करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कराने का डीएलएड के अभ्यर्थियों को कहा था, तो उसी के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ की सरकार ने केवल और केवल डीएलएड के स्टूडेंट की काउंसलिंग शुरू करवा दी थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद पुनः बीएड को काउंट करने का जब आदेश दिया गया काउंसलिंग में, तो फिर वो लोग बीएड को काउंसलिंग में पुनः छत्तीसगढ़ की सरकार ने शामिल करवाया था। तो छत्तीसगढ़ सरकार का जो स्टैंड है वो पूरी तरीके से माननीय कोर्ट के आदेश पर टिका हुआ है। और अगर बात की जाए एनसीटी का, तो एनसीटी ने पहले ही अपने स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर चुकी है। तो एनसीटी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसी को मान रही है। फिलहाल आने वाले कुछ समय में इस यथा स्थिति स्पष्ट हो पाएगी छत्तीसगढ़ में, जैसे ही वहां की हाई कोर्ट पर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी उसी सुनवाई पर यह क्लियर हो जाएगा कि बीएड का भविष्य क्या होने वाला है। लेकिन उम्मीदें काफी कम है कि बीएड प्राथमिक में रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हर राज्य से बीएड धीरे धीरे हटता जा रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो निश्चित तौर पर लगातार प्रभावी होता दिख रहा है। आपने देखा था केवीएस पीआरटी सेक्शंस के रिजल्ट से भी बीएड को बाहर किया गया है। बिहार में अभी आपने देखा कि वहां की शिक्षक भर्ती में भी बीएड के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। इसी तरीके से जितने भी राज्यों में भर्तियां चल रही हैं उन सब पर भी बीएड लगातार पीआरटी सेक्शन से आउट हो रहा है। आज ही आपने देखा था पश्चिम बंगाल में टीईटी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां पर प्राथमिक लेवल से बीएड के स्टूडेंटों को टीईटी की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। कुछ ही समय बाद जैसे ही माननीय हाई कोर्ट में, छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, तभी यथा स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि छत्तीसगढ़ में बीएड अभ्यर्थियों का क्या कुछ होने वाला है। आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती पर कमेंट कर सकती हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।